भिवंडी जिस दिवाली और रमजान की रौनक के लिए जानी जाती है वो रौनक बरकरार रहेगी। और ये लोग राम के नहीं कुर्सी के पुजारी हैं और कुर्सी की लगी बीजेपी को बीमारी है। बदला लेगी जनता श्री राम के अपमान का, खागा ये माल राम नाम का। भिवंडी लोकसभा किस लिए जाना जाता है? भिवंडी लोकसभा तिलक और टोपी की एकता के लिए जाना जाता है और जिसका सबसे बड़ा परिणाम आप लोगों के सामने है। मैं तिलक लगाता हूँ, मेरे बड़े भाई हाजी इस्माइल मिर्ची टोपी पहनकर बैठे हैं और यही पहचान है भिवंडी लोकसभा की। भिवंडी लोकसभा की जनता आज जिस दिन वोटिंग है उस दिन अपना खाना भूल सकती है, एक बार को नहाना भूल सकती है, लेकिन वोट करना नहीं भूलेगी। और मुझे दावे के साथ यकीन है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं भिवंडी लोकसभा में मौजूद हूँ और मेरे साथ में मेरे बड़े भाई हाजी इस्माइल मिर्ची साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। हालांकि वैसे मैं पहले भी भिवंडी आया हूँ और कई बार भिवंडी आया हूँ, मेरे बड़े भाई इस्माइल मिर्ची भाई के साथ मैं पहले भी भिवंडी आया हूँ, लेकिन इस बार जो आने का जो मौका है वो बेहद ख़ास है। और मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि उनका एक वोट क्यों कीमती हो जाता है और क्यों उनको वोट करना चाहिए। आपका एक वोट आपके बच्चों को बेहतर रोज़गार दिलाएगा, आपका एक वोट इस देश की स्थिति को सुधारेगा, आपका एक वोट हिंदू मुसलमान के बीच की नफरत को समाप्त करेगा, आपका एक वोट बलात्कारियों को जेल में पहुंचाने का काम करेगा। और आप लोग सोचते हैं कि आपके वोट की क्या कीमत है? आपके वोट की इतनी बड़ी कीमत है अगर एक प्रत्याशी अगर हार रहा है और एक वोट से ही हारा है तो ये समझ लीजिए कि आपकी सबसे बड़ी गलती होगी उस प्रत्याशी को हराने में। अगर आप स्थिति को बदलना चाहते हैं, हालात को बदलना चाहते हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से कंपनी जिसका नाम है टोरंटो बिजली की जो कंपनी है, या फिर मैं कह सकता हूँ ये एक डाकुओं की कंपनी है जो लोगों को लूटने का काम कर रही है, अगर आप इससे निजात चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर और भी बेहतर बेहतर अस्पताल हों, स्कूल हों, यहाँ पर सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है IGM, उसके अलावा कोई और हॉस्पिटल ही नहीं है, तो अगर आप यहाँ पर और भी हॉस्पिटल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बेटियाँ भिवंडी को छोड़कर जो और कहीं जगह पढ़ने जा रही हैं वो वहाँ ना जाएं, यहीं पर पढ़ें, तो आप लोगों को अपना एक कीमती वोट देना बेहद ज़रूरी है। और बालिया मामा एक आपके एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके लिए खड़े हुए हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए जंग लड़ रहे हैं। ये दौर ऐसा है कि जैसे हमने अंग्रेज़ों से जंग लड़ी, ये एक वैसा ही दौर है जिसमें हम सबको मिलकर एक साथ होकर आज इस जंग को जीतना है। चाहे ग्रामीण हो, भिवंडी लोकसभा ग्रामीण हो, चाहे फिर वो आपका भिवंडी हो, भिवंडी शहर हो, तमाम जगह पर आज सब लोग एक हो चुके हैं। चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जिनका नाम है बालिया मामा, जिनका चुनाव चिन्ह है तुतारी बजाता हुआ आदमी, और आज जो बालिया मामा जो हैं वो इंडिया अलायंस के जो हैं वो कैंडिडेट हैं, प्रतिनिधि हैं। और इंडिया अलायंस में मैं आपको बता दूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और इसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राहुल गांधी यानी, और शिवसेना उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अबू आजमी, और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, तमाम दलों ने मिलकर एक प्रतिनिधि को खड़ा करा है जिसका नाम है बालिया मामा, जिनका चुनाव चिन्ह मैं एक बार और आपको बताता हूँ, उनका चुनाव चिन्ह है तुतारी बजाता हुआ आदमी और उनका बैलेट नंबर है 2। ये चुनाव बेहद ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव है। और आज अगर आप घर से निकलकर वोट देने नहीं गए ना तो आप सिर्फ पूरे 5 साल अफसोस करते रहोगे, घर में बैठकर रोते रहोगे। और आप लोगों को तो दिखाना होगा, भिवंडी लोकसभा में पिछले 2 साल से बहुत कम वोटिंग हो रही है, तो इस बार आप घरों से निकलो और घरों से निकलकर अधिक से अधिक संख्या में जाकर वोट करो और दिखाओ कि ये वो देश है जहां पर देश को बचाने के लिए सब लोग एक साथ खड़े होते हैं, चाहे वो तिलक को मानने वाले लोग हो चाहे टोपी को मानने वाले लोग हैं। तिलक और टोपी को एक होकर आज इस देश को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि अगर आप और हम इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो ये देश वापस से गुलाम हो जाएगा। जी एक बात मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि आपने ग्राउंड लेवल पे क्या काम किया है। ये मौका तो मांग रहे हैं ना बालिया मामा, ये मौका जनता से मांग रहे हैं कि आप मुझे वोट देकर आप मुझे लोकसभा पहुँचाने का काम तो करो, फिर मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्या काम किया है। मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज यहाँ पर अस्पताल की कमी है, बालिया मामा आएंगे तो अस्पताल बनाएंगे, आज यहाँ स्कूल की कमी है, मेडिकल कॉलेज की कमी है, वो यही तो कह रहे हैं कि मुझे मौका तो दो। आज बालिया मामा के पास किस चीज़ की कमी है? सब चीज़ उनके पास है, लेकिन वो लड़ाई लड़ रहे हैं आम आदमी की, भिवंडी लोकसभा की जनता की। और वो भिवंडी लोकसभा के लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग मुझे वोट तो देकर देखो, मैं आपको दिखाऊंगा कि राम राज्य किसे कहते हैं, मैं आपको असल में राम राज्य बनाकर दिखाऊंगा, ऐसा राम राज्य जहां पर राम और रहीम दोनों एक साथ रहेंगे, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहेंगे। भिवंडी लोकसभा किस लिए जाना जाता है? भिवंडी लोकसभा तिलक और टोपी की एकता के लिए जाना जाता है और जिसका सबसे बड़ा परिणाम आप लोगों के सामने है। मैं तिलक लगाता हूँ, मेरे बड़े भाई हाजी इस्माइल मिर्ची टोपी पहनकर बैठे हैं और यही पहचान है भिवंडी लोकसभा की। अभी परसों में ग्रामीण के क्षेत्र में गया भिवंडी लोकसभा में, वहाँ पर जो तमाम जो आपके जो आदिवासी लोग हों, चाहे वो OBC समाज के लोग हों, चाहे फिर वो मराठी लोग हों, सबका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था, एक ही कहना था कि इस बार
हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, यानी एक भूल कमल का फूल, हम उस पर बटन नहीं दबाएंगे। जी मोहित शर्मा क्या काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं? देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, आज देश के कोने कोने में सोशल मीडिया हर एक व्यक्ति चलाता है, हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया को देखता है। वो एक बार को खाना खाना भूल सकता है लेकिन फोन ऑपरेट करना नहीं भूल सकता। तो मेरे को ईश्वर ने एक बोलने की एक कला दी है जिसके माध्यम से मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ कि आप लोग वोट जरूर दें, क्योंकि अगर आज आपने वोट नहीं दिया तो पूरे 5 साल पछताएंगे। और मेरा तमाम माताओं बहनों से निवेदन है कि अगर वो हिंदू बहनें हैं तो आपको हाथरस में जो बेटी के साथ बलात्कार हुआ उसके नाम पर वोट देना चाहिए। अगर वो मुसलमान बहनें हैं तो बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, उनके अपराधियों को छोड़ा गया, तो बिल्किस बानो के नाम पर आपको वोट देना चाहिए। और अगर आप नौजवान हैं तो आपको रोजगार के नाम पर वोट देना चाहिए। अगर आप आज देख लीजिए कि महाराष्ट्र का जो भिवंडी लोकसभा है कितना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था, लोग नवी मुंबई वाशी वहां से काम करने के लिए यहां आया करते थे, लेकिन आज भिवंडी लोकसभा की हालत कपिल पाटिल जैसे लोगों ने ऐसी बना दी कि भिवंडी के लोगों को काम करने के लिए नवी मुंबई काशी या वाशी या बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है। यहां तक कि भिवंडी लोकसभा के लोग काम करने के लिए काम की तलाश में आज भिवंडी को छोड़कर दिल्ली यूपी उत्तर प्रदेश लखनऊ कानपुर बनारस वहां जाके काम कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सारी इंडस्ट्रियों के अंदर यहां इतनी बुरी हालत हो गई। सबसे बड़ी चीज यहां इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है कि एक आदमी यह सोचता है कि घर में बिजली का बल्ब जलाऊं या बच्चों का पेट भरूं, घर में राशन लेके आऊं या बिजली का बिल भरूं। सबसे बड़ी समस्या है टोरंटो कंपनी की। ऐसा लग रहा है कि लोगों को लूटने का सर्टिफिकेट सरकार से वेरीफाइड करा कर लाई है और खुलेआम लोगों को लूटने का काम कर रही है। जी तरफ होकर बीजेपी को हराने की कोशिश कर रही है जी, तो क्या मोहित शर्मा भिवंडी में रहकर इनका साथ देकर डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, मैं अभी उत्तर प्रदेश भी होके आया, उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर मैंने चुनाव प्रचार प्रसार किया। इसी तरीके से मैं महाराष्ट्र के अंदर मेरे बड़े भाई हाजी इस्माइल मिर्ची को आप सभी लोग जानते हैं, और जो कि एक आप ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र के अंदर भिवंडी के अंदर एक सच की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। उनके साथी शुएब गुड्डू और तमाम लोग, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो शिवसेना के लोग हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, इतनी अच्छी मेहनत करें, इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों, बाहर निकल कर आकर मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इतनी मेहनत कर रहे हैं कि घर घर जाके महिलाएं जो हैं वो लोगों को वोटिंग का अधिकार का उनका राइट समझा रही हैं। जिस तरीके से शिवसेना के लोग आज बाहर निकल कर कार्य कर रहे हैं, एनसीपी के लोग निकल कर कार्य कर रहे हैं, यानी आप ये समझ लीजिए पूरा देश एक हो चुका है। आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो लोग हैं कार्यकर्ता जो हैं कांग्रेस के हैं या समाजवादी पार्टी के हैं या आम आदमी पार्टी के हैं या फिर ये शिवसेना के हैं या राष्ट्रवादी कांग्रेस के हैं। आज मुझे ये ऐसा लग रहा है कि हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते जो इंडिया अलायंस ने जो एक गठबंधन बनाया है, सारे कार्यकर्ता आज एकजुट होकर सिर्फ एक ही चीज में लगे हैं कि कैसे और किस तरीके से बालिया मामा को जिताया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भिवंडी की जनता, भिवंडी लोकसभा की जनता आज जिस दिन वोटिंग है उस दिन अपना खाना भूल सकती है, एक बार को नहाना भूल सकती है, लेकिन वोट करना नहीं भूलेगी। और मुझे दावे के साथ यकीन है भिवंडी लोकसभा में वोटिंग के अब के बार सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टूटेंगे, अधिक से अधिक संख्या में लोग वोट करेंगे, और जो नए वोटर हैं वो तो ज़रूर वोट करेंगे, और उनको वोट भी करना चाहिए और वोट सही जगह करना चाहिए। और माताओं बहनों से निवेदन है कि घर की गैस, घर का चूल्हा थोड़ा सा लेट जल जाएगा लेकिन वोट करने ज़रूर जाएं। गर्मी के मारे ये ना सोच के कि गर्मी हो रही है वोट करें। अगर आप लोग वोट नहीं करेंगी तो ये याद रखिएगा कि बिल्किस बानो के बलात्कारी बाहर घूमते रहेंगे। अगर हमारी हिंदू बहनें वोट नहीं करेंगी तो ये सोच लीजिएगा कि हाथरस में जो बेटी के साथ बलात्कार हुआ या मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, ऐसी घटना भिवंडी में भी हो सकती है। तो इसलिए अपना वोट सही जगह दें। दोबारा बताना चाहूंगा, बालिया मामा का चुनाव चिन्ह है बैलेट नंबर 2, ऊपर से दूसरे नंबर का है तुतारी बजाता हुआ आदमी, एक आदमी है जो कि तुतारी बजा रहा है, वो बालिया मामा का चुनाव चिन्ह है। आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में वोट करें, आपका एक कीमती वोट महाराष्ट्र भिवंडी लोकसभा को बचाने का काम करेगा, आपके बच्चों का बेहतर भविष्य बनाएगा, आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा देगा। और सबसे बड़ी बात, भिवंडी जिस दिवाली और रमजान की रौनक के लिए जानी जाती है वो रौनक बरकरार रहेगी। और ये लोग राम के नहीं कुर्सी के पुजारी हैं और कुर्सी की लगी बीजेपी को बीमारी है। बदला लेगी जनता श्री राम के अपमान का, खागा ये माल राम नाम का। जी
एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में 10वीं और 12वीं के ट्यूशन के लिए एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर शहर की काफी पसंदीदा क्लासेस में से एक है। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर जिसका रिजल्ट हमेशा 100% रहा है। पिछले साल भिवंडी शहर के 4 बड़ी स्कूलों के टॉपर्स के बच्चे इसी कोचिंग क्लासेस के थे। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में कंप्यूटर के कई अलग अलग कोर्स भी सिखाए जाते हैं। इस कोचिंग क्लासेस में कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है। इस कोचिंग क्लास में वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड स्टाफ है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती है। हमारा पता है एजुकेशन सेंटर, फर्स्ट फ्लोर अबव एक्सिस बैंक एटीएम, आसार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। इस कोचिंग क्लास की भिवंडी शहर में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।